हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियोस में हम लोग अपना जो फ्लोर प्लान है उसे डेकोरेट करेंगे आर्ट अकेडमी। ओके, तो इनमें हम लोग काफी सारी चीजों को समझने वाले हैं, जैसे कि टेक्स्ट को, कलर को, हैचिंग देखेंगे हम लोग इसमें कैसे करते हैं, लाइन वेट कैसे यूज कर सकते हैं, लाइन टाइप कैसे यूज कर सकते हैं हम इनमें, या फिर हम लेयर प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इन सबको कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, डोर, विंडो, वेंटिलेशन, पार्किंग, इन सबके साथ हम लोग मोस्ट जो यूजफुल कमांड है ऑटोकैड का शॉर्टकट उसे भी हम लोग समझते जाएंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए मैं अपना प्रैक्टिस फाइल 1 ले लेता हूं, यहां पे देख सकते हो प्रैक्टिस फाइल 1। इनके लिए मैं यहां पे अपना प्रैक्टिस फाइल 1 को ही ओपन कर लिया हूं, जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है, राइट। सो हम लोग अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही अपना जो भी प्रोजेक्ट है फ्लोर प्लान वगैरह वगैरह इनमें डेकोरेट करना, जैसे कि टेक्स्ट तो हमने पहले ही कर लिया था वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं हमारी इनमें ही हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्लोर प्लान में डोर विंडो प्लेस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि डोर और विंडो प्लेस करना काफी इजी होता है, बट डोर विंडो वगैरह वगैरह इन सारी चीजों को प्लेस करने से पहले आपको कुछ शॉर्टकट्स कमांड आनी चाहिए ऑटोकैड की, जैसे कि आपको कॉपी पेस्ट कमांड, ट्रिम कमांड, मूव कमांड, या फिर स्ट्रेच कमांड, स्केल कमांड, इन सारी कमांड्स को आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। और मैंने इन सब का बेसिक्स लेक्चर 5 में क्लियर किया हूं, तो अगर आपको आप बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन गो एंड वॉच लेक्चर 5, राइट। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में भी इन सब का यूज करूंगा। जैसे जैसे मैं यूज करता जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके, बट अगर आपको क्लियर करना है बेसिक से तो आपको लेक्चर 5 देख लेना चाहिए, राइट। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अब डोर को प्लेस करना, राइट। डोर, विंडो या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको उसका लोकेशन डिसाइड कर लेना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा डोर का लोकेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ओके, कि हमें कहाँ पे डोर देना है और कितने फिट का डोर देना है, बट ये हमको पहले डिसाइड करना होता है। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड है, जो हमने पिछले बार फ्लोर प्लान किया था उसी में डिसाइड कर लिया था हमने। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बट अगर हम लोग चाहें यहाँ पे तो ये जो लाइन शो कर रहा है आपको ये ट्रिम कर सकते हो। ओके, बट हम लोग इसे ट्रिम नहीं करेंगे, इस लाइन को हम लोग इसका लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं। ओके, हम लोग फिलहाल यहाँ पे ट्रिम भी नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड की शॉर्टकट लाइब्रेरी देख लेते हैं, जिससे हम लोग डोर विंडो वगैरह वगैरह लेंगे। ओके, ऑटोकैड की शॉर्टकट लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl और 3। ओके, यहाँ पे कीबोर्ड में भी शो कर रहा होगा कौन सी क्री आपको प्रेस करनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एक ऑटोकैड शॉर्टकट लाइब्रेरी का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, इनमें आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे मॉडलिंग का, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एनोटेट है, आर्किटेक्चरल है, यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, यहाँ पे हैचिंग का आपको कमांड मिल जाएगा, इनमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ओके, यहाँ पे आपको टेबल्स का यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, राइट। बट हम लोगों को यहाँ पे आर्किटेक्चरल में जाना है और आर्किटेक्चरल का ज्यादा हमें यूज करना है। ओके, क्योंकि फ्लोर प्लान वगैरह में आर्किटेक्चरल का ही यूज है ज्यादा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इंपीरियल सैंपल लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैट्रिक सैंपल लिखा हुआ है, ये क्या होता है इंपीरियल और मैट्रिक में बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट्स में आपको। जो भी हम लोग फ्लोर प्लान बनाते हैं फीट और इंचेस में, उसके लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं वो हमारा इंपीरियल में आता है। ओके, और जो भी हम मीटर्स में काम करते हैं वो हमारा मैट्रिक्स में आता है, राइट। तो जब भी हम अगर मीटर्स में काम करते हैं और जो भी हम अपना ऑब्जेक्ट को इनमें इंसर्ट करेंगे तो हम मैट्रिक सैंपल से करेंगे, बट जब भी हम फीट और इंचेस में करेंगे, सॉरी फीट को मैंने फीच बोल दिया, बट जब भी हम लोग फीट और इंचेस में काम करेंगे तो हम लोग इंपीरियल सैंपल को लेंगे। तो इंपीरियल सैंपल को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl 3 प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो डायलॉग बॉक्स आ गया है ऑटोकैड शॉर्टकट लाइब्रेरी का, इनमें आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल में आ जाना है। यहाँ पे डोर इंपीरियल पे क्लिक करेंगे और लाके अपने वर्क स्पेस में आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो हमारा डोर आ चुका है। ओके, जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जैसे कि इस वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो इनमें आप इसका एंगल डिसाइड कर सकते हो, आपको डोर कितने एंगल पे ओपन रखना है या फिर आपको क्लोज रखना है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख लेता हूँ, जनरली हम लोग 90 डिग्री ही रखते हैं। ओके, यहाँ से आप इसका साइज को कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमम 2 फीट एंड मैक्सिमम 3 फीट एंड 4 इंच, राइट। यहाँ पे आपको जो दो एरो शो कर रहे हैं इनसे आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यानी इन्हें फ्लिप कर सकते हो। वहाँ पे देख सकते हो अप डाउन यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ से लेफ्ट और राइट हो रहा है, और यहाँ पे जो आपको एक एरो जैसा दिखाई दे रहा है इससे भी आप इसका नीचे का जो साइज है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमम 4 इंच और मैक्सिमम हो सकता है ये 6 इंच। ओके, सो हम लोग सबसे पहले इनको इंसर्ट कर लेंगे, जो हमारा रूम है और जो हमारा यहाँ पे टॉयलेट है उनमें इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं डोर और रूम की साइज क्या है, जिसके लिए हम DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, यानी कि डायमेंशन इसका चेक करने के लिए। ओके, या फिर हम DI एंटर भी कर सकते हैं, या DI यानी कि डिस्टेंस हमें चेक करना है सिर्फ, तो DI एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक और लास्ट पे हमें क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका डायमेंशन गायब हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 फीट एंड 6 इंच शो कर रहा है। ओके, एस्केप प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो पिछला कमांड है एक्टिवेट हो जाएगा डिस्टेंस का, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे देख सकते हो 3 फीट एंड 6 इंच का है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अपना जो डोर है उसे इंसर्ट कर लेते हैं। डोर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉपी कमांड वगैरह वगैरह, जैसे मैंने बताया कॉपी कमांड, मूव कमांड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग मूव कर लेंगे डोर को, किसी भी जगह पे प्लेस करने के लिए आप कॉपी या मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे
पे मूव कमांड का यूज करेंगे, एम एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और एक बार आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है कीबोर्ड में, ओके। उसके बाद में आपको जहां भी डोर ला के रखना है वहां पे रख लीजिए। अब आपको डोर को सिलेक्ट कर लेना है अच्छे से, बाद में अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए एम एंटर यानी कि मूव, ओके। और आपको डोर के इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो, ओके। उसके बाद में आपको लाके और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लेस कर देना है। अगर आप चाहते हो इसका रिफरेंस लेना तो आप ऐसे रिफरेंस लेके भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, राइट। अभी देख सकते हो हमारा जो डोर है उसका साइज काफी बड़ा शो कर रहा है यहाँ पे, बट हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ से देख सकते हो कंट्रोल करके यहाँ क्लोज कर देंगे, राइट। अभी हमारा जो डोर है वो देख सकते हो प्लेस हो चुका है और काफी बेटर प्लेस हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर हम इसका चाहें डायरेक्शन को चेंज करना है यानी कि एंगल वगैरह देना तो हम दे सकते हैं, कितना हमें ओपन दिखाना है या फिर हमें टोटली क्लोज दिखाना है तो हम क्लोज भी दिखा सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारा डोर है ऐसा शो कर रहा है, राइट। हम यहाँ पे 90 डिग्री पे कर लेते हैं, जनरली हम 90 डिग्री पे ही रखते हैं। तो जो जो हमारा 2 फीट 6 इंच का डोर है वहां पे मैं प्लेस कर लेता हूँ फटाफट से, कंट्रोल सॉरी सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो डोर को सिलेक्ट करेंगे और सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, यहाँ से आपको डोर को सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ से कर लिया, ओके। और जहां जहां पे मुझे डोर चाहिए मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, राइट, 2 फीट 6 इंच। एंड उसके बाद यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा हम लोगों को, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसे और इसके जो यहाँ पे एरोज दिखाई दे रहे हैं इनसे मैं इनको कंट्रोल कर लेता हूँ। अभी देख सकते हो ये अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ है, मैं इसको बाद में करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का जो डोर है हमारा उसे हम लोग यहाँ पे साइज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने लाके रख दिया था डोर और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके और इसे फ्लिप करा मैंने, यहाँ पे देख सकते हो ये काफी अच्छे से प्लेस हो चुका है, राइट। सो हम लोग अपना काफी टाइम बचा सकते हैं अगर कॉपी पेस्ट और मूव कमांड का यूज करना अच्छे से सीख जाए, ट्रिम वगैरह का करना सीख जाए तो हमारा काफी टाइम बच सकता है फ्लोर प्लान में, राइट। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे डोर को प्लेस करेंगे, सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, फिर वापस से हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पे अभी छोटा सा हो रहा है, मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ, कंट्रोल करके इन सारे एरो से मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। अभी देख सकते हो हमारा जो डोर है वो 3 फीट 4 इंच का है बट हमारे यहाँ पे 6 इंच का है, ओके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो हमारा स्केल कमांड है, स्केल कमांड से हम इसे रिसाइज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल करके इसे बड़ा कर दिया, अब हम इसे फ्लिप कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने फ्लिप करा ये कंट्रोल हो चुका है, अच्छे से ये प्लेस हो चुका है, राइट। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले इसे प्लेस करने के लिए एम एंटर कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं अपने फ्लोर प्लान से या फिर हम यहीं पे भी कर सकते हैं स्केल कमांड से, ओके। स्केल कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए HC यानी स्केल कमांड का शॉर्टकट होता है HC, एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। उसके बाद में आपको एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास ये रेफरेंस लाइन दो एक ही शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट फर्स्ट ये है और पॉइंट लास्ट हमारा ये है, ओके। हम इसको एक लाइन समझ लेते हैं इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक, राइट, यही हमारा एक रेफरेंस रहेगा, ओके। क्योंकि इसी पे हमें प्लेस करना है तो हम इसको रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर अगर मैं चाहूं तो अलग भी रेफरेंस लाइन बना करके और प्लेस कर सकता हूं। मैं दूसरी जो ऑब्जेक्ट करूंगा स्केल करूंगा उसमें दिखा दूंगा अलग लाइन लेके, यहाँ पे इसी को दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा दोनों तरीके से। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, HC एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, ओके। उसके बाद में जो हमारा रेफरेंस लाइन का फर्स्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसाइज हो रहा है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को अपना सिलेक्ट किया था, ओके। अब हमें क्या करना है, एक हमें बता देना है इसे कि हमने ये रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, ओके। तो हम इसके लिए R एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस का ऑप्शन शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में R एंटर कर दीजिए। अब हमारा क्या होगा कि रेफरेंस लाइन हमारा जो है एक्टिवेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट को हमें रिसाइज करना है यानी स्केल करना है उसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डोर का फर्स्ट पॉइंट लिया, डोर का लास्ट पॉइंट, ओके। और फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा रेफरेंस लाइन का लास्ट पॉइंट है उस रेफरेंस लाइन के लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा डोर देख सकते हो स्केल हो चुका है, एम एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और फिर क्या करेंगे यहाँ पे इसको मूव करके रख देंगे, राइट। अभी देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी अच्छे से प्लेस हो चुका है, यानी डोर हमारा काफी अच्छे से प्लेस हो चुका है। उसके बाद में हम रोटेट करेंगे, रोटेट करना काफी इजी है, ओके। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आर ओ एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और अभी एक बार आप कहीं भी क्लिक कीजिए अपने वर्क स्पेस में माउस से, आप देख सकते हो ये रोटेट हो रहा है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे, अपने कर्सर को मूव करोगे, ये रोटेट होगा, ओके। हमें यहाँ पे वर्टिकल में कर दिया हूं अपने कर्सर को, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डोर है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है और काफी अच्छे से हो गया है, राइट। अब हम डोर को सिलेक्ट करेंगे, एम एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं और ला करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हमारा डोर देख सकते हो प्लेस तो हो गया है बट ये अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है क्योंकि इसका साइज वगैरह काफी बड़ा शो कर रहा है, तो हम इन एरो से इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी देख सकते हो हमारा जो एरो है ये बाहर आ रहा है, अगर मैं चाहूं यहां से इसको कंट्रोल करना तो नहीं हो रहा है क्योंकि 4 इंच हमारा लास्ट है और 4 इंच ये हो चुका है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और अपने कीबोर्ड में एम एंटर कीजिए, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पॉइंट है सबसे नीचे का पॉइंट उसे ला करके और इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए। अभी देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी बेटर तरीके से प्लेस हो चुका है। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और एम एंटर करते हैं मूव कमांड से और थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, ओके। काफी अच्छे से अभी शो कर रहा है वो। अभी हमारा देख सकते हो यहाँ पे जो मेन डोर है और यहाँ पे जो हमारा गेस्ट रूम है इनमें भी हमें डोर को प्लेस करना है, बट इनके लिए डोर को जो प्लेस करना है उसको हमें स्केल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने डोर को ले लेते हैं, सीओ एंटर करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपने डोर को और यहाँ पे मैं ला कर रख लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पे बाहर रख लेता हूँ ताकि एक लाइन रेफरेंस लेके और अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब हम DAI एंटर करेंगे
करेंगे अपने कीबोर्ड में, इसका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो आप 3 feet and 3 inch का है। तो हम क्या करेंगे, डोर के नीचे एक 3 feet and 3 inch का लाइन बना लेंगे लाइन कमांड से, L4 line and 3 feet यहाँ पे देख सकते हो, एंड 3 inch का सिंबल डबल इनवर्टेड कॉमा, एंटर करेंगे 3 feet and 3 inch का हमारा लाइन यहाँ पे बन चुका है, रेडी हो चुका है। ये एंटर करके इसका डायमेंशन आप चेक कर सकते हो, ओके यहाँ पे देख सकते हो 3 feet and 3 inch का है। इसे इरेज कर देता हूँ, सॉरी 3 feet and 3 inch का है हमारा, मैं इसे 4 feet कर लिया हूँ। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 feet and 3 inch हो गया है, DLI एंटर करके मैं आप लोगों को अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ। एक गलती हो गया है, तो इस गलती से भी हम लोग एक कमांड को सीख लेंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हो 3 feet and 4 inch का हो गया है, बट हमारा जो डोर का यहाँ पे है ये 3 feet and 3 inch का है, 4 inch का नहीं है, मैंने 1 inch ज्यादा बड़ा कर लिया है। तो हम इसको स्केल स्ट्रेच कमांड से अपने लाइन को 1 inch छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और राइट टू लेफ्ट, उसके बाद में अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए एस एंटर, एस फॉर होता है स्ट्रेच कमांड, उसका शॉर्टकट है, और ऐसे एक बार अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, सॉरी क्लिक करना है, प्रेस नहीं करना है आपको कोई भी बटन, और 1 inch आपको क्लिक करके और फिर जाना है जिधर आपको प्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो है रिसाइज हो रहा है, हम 1 और 1 inch का सिंबल देंगे, उसके बाद में एंटर कर देंगे, तो हमारा देख सकते हो अभी 3 feet and 3 inch का हमारा जो लाइन है वो हो चुका है, ओके। इरेज कर देंगे डायमेंशन को, उसके बाद में डोर को स्केल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे एस सी एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंटर कीजिए, या फिर आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एस सी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में रिफरेंस लाइन के एक पॉइंट कहीं भी क्लिक कर लीजिए, यानी कि जो रिफरेंस लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा या लास्ट पॉइंट होगा, कोई भी एक लाइन आप ले सकते हो, पॉइंट ले सकते हो, सॉरी कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो लाइन का, ओके। उसके बाद में जब लाइन का पॉइंट ले लोगे आप, उसके बाद में आपको एक रिफरेंस बटन पे क्लिक करना है, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड में आर एंटर कर सकते हो, या फिर जो रिफरेंस का यहाँ पे बटन शो कर रहा है इससे भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आर एंटर कर देता हूँ, आर एंटर करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट का लास्ट पॉइंट एंड लाइन का यहाँ पे लास्ट, ओके। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसाइज हो चुका है, यानी स्केल होकर बड़ा हो गया है। हम चेक कर लेंगे, DI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, लाइन के सॉरी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट के लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो 3 feet and 3 inch का हमारा डायमेंशन शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, M एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे, देन यहाँ पे लाके आप प्लेस कर सकते हैं, ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो मेरा डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसका जो ओरिएंटेशन है इसे चेंज कर दीजिए। अभी देख सकते हो हमारा जो डोर है वो काफी अच्छे से प्लेस हो चुका है, बट यहाँ पे देख सकते हो लाइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड में M एंटर कीजिए यानी मूव करेंगे। ज्यादातर डोर को प्लेस करते टाइम हमें मूव कमांड का ही यूज करना है, ओके। अभी देख सकते हो हमारा जो लाइन है ये सेम डायरेक्शन में शो कर रहा है, सेम लाइन हो गया है, तो काफी अच्छे से शो कर रहा है, ओके। सो ऐसे आप डोर को प्लेस कर सकते हो। उसके बाद मेन गेट है हमारा, मेन गेट को भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, बट मेन गेट को हम मिरर कमांड से करेंगे। एक हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा हम मिरर करेंगे। M एंटर कर लेता हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस वाले पॉइंट पे लाके रख देंगे जो हमारा वॉल का पॉइंट है, ओके। अभी हमारा जो डोर देख सकते हो ये काफी बड़ा है, हम सबसे पहले एक ऑफसेट कर लेते हैं 2 feet का। अब यहाँ पे हमारा जो डोर है यहाँ पे ये मेन गेट का मेन डोर ये 4 feet का है, बट मैं अगर चाहता हूँ इसको 2 हिस्सों में करना, यानी कि डबल पल्ले में डोर करना, डबल पैनल का डोर, तो ओके। तो हम यहाँ पे 2 feet का एक ऑफसेट भी ले सकते हैं, 2 feet का सिंबल यहाँ पे देंगे। अब हम अपने डोर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं 2 feet, या फिर अगर हम नहीं लेते हैं इस लाइन को तो भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे इस एरो से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 feet करना है, क्योंकि 2 feet का 2 हमारा पैनल होंगे, तो 2 feet मैंने यहाँ पे कर लिया, ओके। अब फिर आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है मिरर करने के लिए, अब आपको इसे मिरर कर लेना है। मिरर करने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए MI एंटर, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो मिरर कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट शो कर रहा है, या कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, बट हम मिरर कमांड इधर करेंगे, मिरर इधर करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए हम इस वाले पॉइंट को लेंगे, ओके। अगर हमें इधर मिरर करना होता इस साइड, तो हम यहाँ पे क्लिक करते, राइट, तो हम इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे ही अपने कर्सर को मैं नीचे लेके आता हूँ, तो देख सकते हो हमारा जो ऐसा लग रहा है कि 2 हमारा पैनल का डोर बना हुआ है ऑलरेडी, बट जैसे ही मैं मूव करता हूं अपने कर्सर को तो ये गायब हो जाता है, ओके। तो हम अपने कर्सर को नीचे करेंगे और एक बार क्लिक कर देंगे माउस से। अब हमें 2 options खुल के आ रहे हैं यहाँ पे, यस और नो। इरेज सोर्स सब्जेक्ट, यानी ये पूछ रहा है जो आपका पिछला ऑब्जेक्ट है जिस सोर्स के थ्रू आपने इसे मिरर किया उसे रखना चाहते हो या नहीं, यानी जो आपका पिछला ऑब्जेक्ट है उसे आप रखना चाहते हो या नहीं। अगर रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, सॉरी नो करेंगे, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यस कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर मैं यस कर देता तो हमारा जो ये पहला ऑब्जेक्ट है डोर है वो गायब हो जाता, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डोर को अच्छे से प्लेस कर लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना विंडो कहां कहां पे देना है, ओके। सो आप अपने अकॉर्डिंग विंडो को डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस रूम के लिए एक यहां पे विंडो देना है, तो यहां पे हम विंडो देंगे, ओके। ये हमारा किचन है, किचन में हम लोग यहां पे विंडो भी दे सकते हैं या फिर वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, बट यहां पे हम विंडो देंगे। वेंटिलेशन हम लोग इस साइड दे सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो ये टॉयलेट है, टॉयलेट में हम लोग वेंटिलेशन इधर नहीं देंगे, डाइनिंग एरिया के अंदर, ओके। हम लोग पार्किंग की तरफ वेंटिलेशन देंगे। जो हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का विंडो देंगे हम लोग पार्किंग की तरफ, और हम लोग इधर भी वेंटिलेशन दे सकते हैं, या फिर हम लोग एक छोटा सा डोर भी
इधर भी प्लेस कर सकते हैं, बट हम लोग अभी नहीं करेंगे। इधर की साइड हम लोग सिर्फ एक विंडो प्लेस करेंगे और फिर हम लोग इधर भी एक विंडो करेंगे। इधर की साइड हम लोग सिर्फ वेंटिलेशन करेंगे गेस्ट रूम में। दो विंडो यहाँ पे हो गया हमारा, एक वेंटिलेशन यहाँ पे हो गया, एक वेंटिलेशन हमारा यहाँ पे हो गया। दो वेंटिलेशन हो गए हमारे प्लान में, दो विंडो, एक वेंटिलेशन यहाँ पे और एक वेंटिलेशन यहाँ पे, चार हमारा वेंटिलेशन हो गया। और फिर हम यहाँ पे एक वेंटिलेशन करेंगे, एक विंडो करेंगे और यहाँ पे एक विंडो करेंगे। चार हमारा विंडो भी हो गया और चार वेंटिलेशन हो गया, एक वेंटिलेशन हम यहाँ पे प्लेस करेंगे सेंटर में इसके। ओके, हमारा पांच वेंटिलेशन और चार विंडो हो गए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले वेंटिलेशन को ड्रॉ करने के लिए अपने मैनुअल भी हम लोग कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डोर इंपीरियल है, फीट और इंचेस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इंपीरियल कमांड जैसे मैंने बताया लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे विंडो इंपीरियल पे क्लिक करते हैं और लाके अपने ऑब्जेक्ट में यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे विंडो है वो आ चुका है। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो इनमें आपको कुछ एरो शो करेंगे, एरो के थ्रू आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। ओके, या इन्हें आप फ्लिप भी कर सकते हो, इन्हें आप रिसाइज भी कर सकते हो इसके थ्रू, बट हम लोग विंडो के लिए इसका यूज नहीं करेंगे जो ऑटो गाइड का शॉर्ट गाइड है। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम विंडो देखने को मिल जाएगा जो कि एलिवेशनल विंडो है। ओके, जब हम लोग एलिवेशन बनाएंगे इस प्लान का तो उसमें समझेंगे हम लोग कि इसका यूज कैसे करेंगे और इनमें क्या है। यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे ही आप इस एरो के थ्रू आप कंट्रोल करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली रिसाइज होगा, बड़ा छोटा होगा, बट ये वर्टिकल वाले एरो के थ्रू आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज हाइट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसका वेंटिलेशन भी यूज करेंगे। यहाँ से आप टॉयलेट इंपीरियल पे क्लिक करके इसका टॉयलेट ले सकते हो। टॉयलेट का आप जब क्लिक करोगे टॉयलेट आप लेके, जनरली हम लोग इस वाले आइकन को यूज करते हैं, इस वाले को। इनमें भी और भी काफी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये साइड व्यू शो कर रहा है, ये फ्रंट व्यू शो कर रहा है। ओके, ये प्लान व्यू शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये फिर साइड व्यू आ गया, फ्रंट व्यू ये दूसरे टॉयलेट का है। ओके, तो हम लोग जनरली इसी टॉयलेट का यूज करते हैं, ऐसे सिंपल अपने टॉयलेट में प्लेस करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा अपने कीबोर्ड में, वाले पॉइंट पे क्लिक करके और यहाँ पे जहां भी आपको प्लेस करना है उस डायरेक्शन में आप प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, अच्छे से प्लेस नहीं हो रहा है, तो अपने कीबोर्ड में एंटर कीजिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा दूर कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए एक बार। ओके, माउस से। उसके बाद देख सकते हो ये काफी अच्छे से जितना मैं चाह रहा हूँ उतना ये इंसर्ट हो रहा है। ओके, अभी देख सकते हो ये काफी अच्छे से, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जनरली हम लोग जब इसका रेंडर करेंगे तो काफी अच्छे से उसका लोकेशन वाइज डिसाइड करेंगे, बट हम लोग इनमें फटाफट थोड़ा सा यूज करना सीख जाते हैं क्योंकि जरूरी है सीखना। उसके बाद हमने यहाँ पे टॉयलेट देख लिया। अब हमारा ट्री है, ट्री इंपीरियल। यहाँ पे ट्री जब आप लोगे तो इनमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ट्री लेके आप इस पे क्लिक करोगे, इनमें काफी सारे आपको एलिवेशनल साइड व्यू, टॉप व्यू वगैरह वगैरह चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इनका साइड चेंज हो रहा है, और भी जैसे मैं क्लिक करते जाता हूँ और भी इनमें देखता हूँ तो काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं मुझे यहाँ पे, देख सकते हो, राइट। तो जब आप इसको खुद यूज करोगे, खुद से आप चेक करोगे, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ये ट्री है ये अच्छे से शो करने लगा है, राइट। बट हम लोग जब अपना गार्डन में ट्री को यूज करेंगे तो ये वाले ट्री को यूज नहीं करेंगे। ओके, हम उसमें हैचिंग से अपना ग्रास दिखा सकते हैं या फिर छोटा छोटा इनमें से हम ट्री लेकर के और उनको फिर रिसाइज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया और इसको छोटा कर देंगे स्केल कमांड से। स्केल कमांड आई होप आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे व्हीकल है हमारा, हम व्हीकल ले सकते हैं और व्हीकल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक एरो शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हो टॉप भी हो, फ्रंट भी हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स कार टॉप भी हो। जनरली हम इसे ही यूज करते हैं अपने प्लान में, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो डोर एलिवेशनल है। जब हम लोग एलिवेशन बनाएंगे तो उसमें डोर एलिवेशनल का यूज करेंगे जो कि काफी हमारा टाइम बचा देता है, डोर एलिवेशनल। ओके, और डोर एलिवेशनल विंडो एल्युमिनियम जो है एलिवेशन का, ये हमारा काफी टाइम बचा देता है डोर विंडो को बनाने में। तो हम लोग जब एलिवेशन बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे तो उनमें यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक कार को भी ले लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपने कार को सबसे पहले रोटेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अभी देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, बट हमें वर्टिकल करना है कार को प्लेस करने के लिए। तो हम आर ओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और एक बार माउस से क्लिक कीजिए अपने वर्क स्पेस में, और यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर को मूव करोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल मूव हो जाएगा। अब जैसे ही मैं एम एंटर करके इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो हमारा जो कार है वो काफी बड़ा शो कर रहा है हमारे स्पेस से। तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, स्केल कमांड आ जाएगा। एक बार कहीं भी क्लिक कीजिए आप, अभी देख सकते हो आपका कार का साइज बड़ा और छोटा हो रहा है। ओके, तो हम ऐसे ही रिसाइज कर लेते हैं विदाउट साइज के, और आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, एम एंटर एंड मूव करके, सॉरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एम एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद हम मूव करके और अपने वर्क स्पेस में इधर रख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी हमारा कार देख सकते हो ये प्लेस हो चुका है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन को प्लेस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम विंडो और वेंटिलेशन को प्लेस करने के लिए उसका साइड डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद में जहां भी हमें विंडो को प्लेस करना होगा उसमें सबसे पहले एक मिड पॉइंट बना लेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ सेंटर में इंसर्ट करना तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेंटर से एक लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कितने फीट का हमारा विंडो रहेगा, कितना लेंथ और कितना हाइट रहेगा उसका। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 फीट का विंडो इंसर्ट करने वाला हूँ, 3x4 का। ओके, तो ऑफसेट करेंगे, वो एंटर करेंगे ऑफसेट करने के लिए अपने कीबोर्ड में, वो एंटर एंड 1 फीट एंड 6 इंच का आपको ऑफसेट ले लेना है। दोनों साइड 1 फीट एंड 6 इंच का आपको ऑफसेट देना है, बीच
वाली लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है REC एंटर, यानी रेक्टेंगल कमांड ले लेना है आपको। ये जो वाल है, वाल के यहाँ पे देख सकते हो जो लाइन हमारा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे यहाँ क्लिक कर देंगे हमारा जो रेक्टेंगल है बन के रेडी हो जाएगा। अब इन दोनों लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं ओके। उसके बाद में L4 लाइन लेंगे और जो हमारा रेक्टेंगल बनाया हमने अभी इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अगर आपका वाल 4.5 इंच का है तो आप 0.5 का इन लाइन का ऑफसेट देख सकते हो दोनों, या फिर अगर 9 इंच का है तो 1 इंच का आप ऑफसेट देख सकते हो ओके। तो मेरा 4.5 इंच का वाल है तो मैं 0.5 इंच का यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ 0.5 इंच एंड ओके। उसके बाद दो ऊपर 0.5 इंच एंड नीचे 0.5 इंच, अभी देख सकते हो हमारा ऑफसेट हो गया है बट ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि लाइन वेट ऑन है। जैसे ही मैं लाइन वेट यहाँ से ऑफ करता हूँ तो अभी देख सकते हो ये काफी अच्छा शो कर रहा है ओके। हम इसको टैग भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा विंडो यहाँ पे देना है तो सबसे पहले मैं इसका भी एक सेंटर बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे REC एंटर करता हूँ और यहाँ से अगर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो देख सकते हो हमारा जो रेक्टेंगल है वो काफी बड़ा हो गया है बट हमें इतना नहीं चाहिए। सिर्फ मैं एक मिड पॉइंट के लिए रेक्टेंगल बनाया हूँ, चाहूँ मैं तो एक लाइन भी बना सकता था मैं ओके। अभी मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर तक, यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आपको डिसाइड कर लेना है कितना फीट का आपको विंडो चाहिए, जैसे कि मैं 2 फीट दोनों साइड कर देता हूँ हमारा 4 फीट का विंडो बनेगा देख सकते हो, बट हमारा स्पेस नहीं बच रहा है तो हम यहाँ भी 3 फीट का विंडो बनाएंगे ओके। बट 3 फीट का जब हम विंडो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं मैनुअली, हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे ओके। तो मैं इस विंडो को कॉपी कर लेता हूँ ऐसे लेफ्ट टू राइट, उसके बाद CO एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में। उसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट इसका मिल जाएगा विंडो का, यहाँ पे ला करके आप प्लेस कर दो। अगर आपको इसका मिड पॉइंट अगर शो नहीं कर रहा है ओके, तो आप सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए रेफरेंस लाइन, जिसके थ्रू आप इसको इंसर्ट करोगे। जैसे कि मैं L4 लाइन ले लेता हूँ या R4 रेक्टेंगल ले लेता हूँ, REC एंटर करेंगे सॉरी। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बनकर रेडी हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, M एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, यहाँ पे मूव कमांड ले लेंगे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और इस वाले रेक्टेंगल को आप डिलीट कर देंगे ओके, जो हमारा बड़ा रेक्टेंगल था। अभी देख सकते हो हमारा जो विंडो है वो काफी अच्छे से इंसर्ट हो गया है ओके। यहाँ पे हमें वेंटिलेशन बनाना है तो वेंटिलेशन को भी सेम बना सकते हैं, जहां भी वेंटिलेशन देना है। जैसे कि अगर मैं सेंटर में देना चाहूं तो सेंटर से एक लाइन बनाऊंगा और 2 फीट का मुझे वेंटिलेशन देना है, तो 1 फीट दोनों साइड ऑफसेट कर देता हूं मैं। 1 फीट यहाँ पे देख सकते हो 1 फीट नीचे एंड 1 फीट यहाँ पे ऊपर, बीच वाले लाइन को ट्रिम कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। REC एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, लाइन के फर्स्ट पॉइंट एंड लाइन के लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक सकते हो, आपका जो रेक्टेंगल है वो रेडी हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के बीचों बीच एक लाइन बना दो आप यहाँ पे सेंटर में। अब अगर चाहो आप तो इनको इंसर्ट भी कर सकते हो, सॉरी ऑफसेट भी कर सकते हो या फिर ऑफसेट नहीं भी कर सकते हो, ये हमारा वेंटिलेशन है तो मैं इसको ऑफसेट नहीं करूंगा ओके। यहाँ पे हमारा 2 फीट का जो है विंडो हमारा बना हुआ है, सॉरी वेंटिलेशन बना हुआ है, इसका जो सेंटर लाइन है मैं इसको ऑफसेट नहीं करूंगा। और टैगिंग हम कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए VW, विंडो के लिए W1, W2 या W कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी वेंटिलेशन देंगे जिसका साइज 2x2 ही रहेगा, तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और CO एंटर करेंगे। उसके बाद में इसको हम रोटेट कर लेंगे, रोटेट करना वगैरह वगैरह इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको इन सब के साथ साथ रोटेट कमांड भी अच्छे से समझ में आ जाए, आप इन सारी चीजों को अच्छे से यूज करना सीख जाएं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में CO एंटर कर लीजिए, दो जगह पे प्लेस करना है तो CO एंटर करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग ऊपर वाले हिस्से को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का लाइन है वो हमारा मेन लाइन है वाल का, यहाँ पे देख सकते हो इसका सेंटर मिल रहा है, इसके सेंटर से हमें प्लेस करना है। यहाँ भी जो हमें प्लेस करना है ऊपर के सेंटर से प्लेस करना है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिल रहा है ओके लाइन का यहाँ पे ओके। अभी हमारा देख सकते हो दोनों वेंटिलेशन हमारा प्लेस हो चुके हैं। अब हमारा जो ये टॉयलेट है इसका हमें वेंटिलेशन यहाँ पे देना है, तो हम 2x2 का वेंटिलेशन देंगे, तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर करेंगे और ऊपर की तरफ से हम इसको कॉपी कर लेंगे मिड पॉइंट से राइट। यहाँ पे लाके मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा सो रहा है, मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया हूँ। उसके बाद इस रूम का भी हम वेंटिलेशन चाहे तो इधर से दे सकते हैं बट हम यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं देंगे ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे भी विंडो को प्लेस करना है, यहाँ पे देख सकते हैं गेस्ट रूम है बट हम यहाँ पे 4x4 का विंडो इंसर्ट करेंगे, यहाँ भी हम 4x4 का विंडो इंसर्ट करेंगे या यहाँ पे 3x3 का कर ले, 3x4 का कर लेंगे, यहाँ पे 4x4 का करेंगे बट हम विंडो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, हम इसी विंडो को स्ट्रेच कर लेंगे स्ट्रेच कमांड से ओके। हमने स्केल कमांड देख लिया, अब हम स्ट्रेच कमांड देखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले CO एंटर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके और हम लाके यहाँ पे रख लेते हैं, सबसे पहले प्लान से बाहर रख लेते हैं। अभी हमारा जो विंडो है ये 3 फीट का है, मैं दिखा देता हूँ, DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद यहाँ पे 3 फीट का हमारा विंडो शो कर रहा है, हमें इसको 4 फीट का करना है ओके। एक तो हमें 3 फीट का रखना है, तो 3 फीट वाला सबसे पहले इसे कॉपी
पिक कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसे प्लेस कर देते हैं 3 फीट और ऊपर के लाइन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ला करके इसे मूव कर देंगे, ओके पेस्ट कर देंगे सॉरी। उसके बाद हम इसे 4 फीट करना है तो सबसे पहले स्ट्रेच कमांड का यूज करेंगे। स्ट्रेच कमांड का यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे हम राइट टू लेफ्ट इसे सिलेक्ट कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे एस एंटर, यानी हमारा स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ओके। उसके बाद में एक बार माउस से कहीं भी आप अपने वर्क स्पेस में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसाइज हो रहा है। हमें बड़ा करना है तो हम बड़ा करेंगे एंड यहाँ पे 1 फीट डाल देंगे, क्योंकि हमारा 3 फीट ऑलरेडी है, 1 फीट डालेंगे तो हमारा जो विंडो है वो 4 फीट का हो जाएगा। 4 फीट हमारा हो चुका है विंडो, अभी देख सकते हो। इसे हम रोटेट कर लेंगे, आर ओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो विंडो है वो रोटेट हो रहा है। अब हम फिर से विंडो को सिलेक्ट करेंगे, एम एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में। उसके बाद में अंदर वाली लाइन से सिलेक्ट कर लेंगे, इसका लास्ट पॉइंट जो अंदर वाला है और आउटर उसे सिलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट से। उसके बाद में ला करके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं, ओके हमारा जो विंडो है वो देख सकते हो हमारा पेस्ट हो चुका है। तो हमने डोर को देख लिया, विंडो देख लिया, हमने टेक्स्ट पिछले वीडियो में ही देख लिया था ओके। अब हम लोग ट्रीज वगैरह देख लेते हैं, हैच देख लेते हैं। ट्री तो मैंने दिखा दिया है, ट्री वैसे वापस से मैं बता देता हूँ कि ट्री को कैसे रिसाइज करना है। इसे भी आप स्केल कर सकते हो, एससी अपने कीबोर्ड में एंटर करो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और इसका भी साइज आप छोटा कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, मुझे इस वाले गार्डन में रखना है तो सी ओ एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ देख सकते हो तो मैं रख सकता हूँ ऐसे ओके, मैंने यहाँ पे रख दिया राइट। अभी हमारा जो ट्री है वो देख सकते हो ये काफी छोटे छोटे ट्रीज है ओके, और मैंने इनको यहाँ पे अपने गार्डन में इंसर्ट कर लिया राइट। और मैं अगर चाहूँ तो एक लाइन के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गार्डन में मैं ग्रास भी दिखा सकता हूँ, जिसके लिए हम पॉली लाइन यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, क्योंकि जो हमारा हैचिंग कमांड है वो एक बाउंड्री के पर्टिकुलर अंदर ही आता है ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का टाइप चेंज कर देंगे ओके। लाइन टाइप चेंज करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पे लेयर के नीचे, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हो, बट मैच प्रॉपर्टीज का हमें यूज नहीं करना है। हम आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे लाइन का टाइप मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पे अदर्स में आ जाना है और जिगजैगर नहीं मिल रहा हो तो। उसके बाद में आपको यहाँ पे लोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इनमें क्लिक कीजिए, नीचे आ जाइए आप बिल्कुल, तो यहाँ पे देख सकते हो जिगजैग लाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो ओके। इस पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पे जिगजैग लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपका जिगजैग लाइन जो है यहाँ पे एड हो जाएगा देख सकते हो ओके। इस पे क्लिक करेंगे लाइन पे, उसके बाद में यहाँ पे जिगजैग लाइन में आके क्लिक कर देंगे तो हमारा जो लाइन है वो जिगजैग टाइप में शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जिगजैग लाइन तो आ चुका है, बट ये साइज काफी छोटा शो कर रहा है, हमें चाहिए कि हमें बड़ा शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में अपने माउस से एक बार राइट क्लिक कीजिए, आपको नीचे आना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इनमें यहाँ पे देख सकते हो लाइन टाइप है यहाँ पे, इसमें आपको कर देना है 5, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अभी देख सकते हो हमारा जो जिगजैग लाइन है ये काफी बड़ा बड़ा शो करने लग गया ओके। तो हम इतना ही पे रहने देंगे और क्या करेंगे, इसमें हैच कमांड का यूज करेंगे ग्रास के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हैं एच एंटर हैच कमांड के लिए, यहाँ पे देख सकते हो हमारा हैच कमांड एक्टिवेट हो गया। इसमें आप क्लिक कर दीजिए एक बार सिंगल, और आपको इसमें यहाँ पे एक एरो शो कर रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए, आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ग्रास वगैरह काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। थोड़ी सी नीचे जाते हैं हम और यहाँ पे देख सकते हो हमारा ग्रास मिल रहा है, यहाँ पे ग्रास आपको शो कर रहा होगा ओके। आप ढूंढ सकते हो इसमें जब जाओगे तो। ग्रास पे क्लिक करता हूँ मैं, उसके बाद में इसका स्केल मैं चेंज कर देता हूँ, मैं स्केल इसका 5 कर देता हूँ। तो अभी हमारा ग्रास देख सकते हो काफी अच्छे से शो करने लगा है। उसके बाद हम लोग इसका कलर भी डिसाइड कर देंगे, कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ ओके। ओके मैंने यहाँ ग्रीन कर लिया, यहाँ पे क्लोज हैच क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हो ये गार्डन रेडी हो चुका है। हमारा यहाँ पे ओपन एरिया है, हम ओपन एरिया में भी अपना हैचिंग करेंगे। ओपन एरिया में हैचिंग करने के लिए अपने कीबोर्ड में एच एंटर कीजिए, यहाँ पे देख सकते हो ग्रास आ रहा है क्योंकि हमने पिछले बार ग्रास लिया था। तो फिर से आपको इस एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, आपको जिस भी तरह का लेना है हैचिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल वाला लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। अभी देख सकते हो ये काफी अच्छे से शो कर रहा है, बट मुझे इसका कलर ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है मैनुअली शो करे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो लाइट वे ग्रे ओके। यहाँ पे क्लोज हैच क्रिएशन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो टेक्स्ट है ये देख सकते हो काफी अच्छे से शो कर रहा है, अच्छा लग रहा है राइट। सो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे इसे। अब हम लोग वॉल को हैचिंग कर लेते हैं, वॉल की हैचिंग कौन सी होती है, काफी बेटर रहता है वॉल की हैचिंग भी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे वॉल हमारा क्लोज है इधर से भी और इधर से यहाँ से भी ओके। तो हम वैसे ही हम लोग वॉल को छोटी छोटी पार्टों में करके कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। बट अगर हमारा प्रोजेक्ट काफी बड़ा होता है तो उनमें काफी सारे वॉल्स होते हैं, तो हम एक साथ उनको सबको हैच नहीं कर पाते हैं ओके। हम यहाँ पे छोटे से वॉल को करके देख लेते हैं, एच एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, लाइन के अंदर जो है वॉल के अंदर आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद में इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए, ऊपर आ जाइए आप। ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे इस वाले जो हैचिंग है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डबल लाइन का। यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन टाइप है यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे। अभी देख सकते हो ये काफी थोड़ा सा कम सॉरी ज्यादा शो करने लगा है, तो हम लोग यहाँ पे 8 कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल वगैरह हम लोग कुछ नहीं देंगे, जो भी हमारा रहेगा। यहाँ से हम लोग इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जैसे कि
की बैकग्राउंड में रेड वगैरह या कलर जो भी देना चाहते हैं बैकग्राउंड में अपने हैचिंग का दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैं नन रखूंगा क्योंकि नन वॉल में बेटर लगता है। और यहाँ से कलर भी हम लोग दे सकते हैं अपने हैचिंग का। यहाँ पे मैं बाइलेयर ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं, तो अभी देख सकते हो हमारा हैचिंग जो है काफी बेटर लग रहा है। ओके, इसका साइज इंक्रीज करने के लिए आप हैचिंग पे डबल क्लिक कीजिए। ओके, हैचिंग पे यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्केल यहाँ पे 8 आ रहा है। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ स्केल को। ओके, अभी देख सकते हो ये बेटर शो कर रहा है। यहाँ पे एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हम फिर दोबारा से हैच, उसके बाद में लाइन के अंदर जो हमारा बड़ा पैनल है यहाँ पे देख सकते हो ये बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ हमारा स्केल नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापिस से मैं ट्राई करता हूँ। देख सकते हो ये बाहर ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो देख सकते हो हमारा जो बाहर का ऑब्जेक्ट है उसमें हैच हो रहा है। तो हम छोटे छोटे पार्टों में कर लेंगे हैच, राइट। सो इस तरीके से आप अपने प्लान को डेकोरेट कर सकते हो हैचिंग के थ्रू, फर्नीचर वगैरह के थ्रू, इनको टैग वगैरह भी कर सकते हो। हम किसी अदर वीडियो में टैग वगैरह सीखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।